मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर पीएम मोदी से 100 दिन का विजन लेकर इंदौर आई। इंदौर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सावित्री दीदी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा पहला कदम केंद्र की योजनाओं को जमीन पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। देखिए खास। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार सावित्री ठाकुर का इंदौर आगमन। इंदौर एयरपोर्ट पर आदिवासी अंदाज में हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी से 100 दिन का रोडमैप लेकर आई मंत्री मैदान में। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद एक्शन में सावित्री ठाकुर दिया बड़ा बयान। मोदी सरकार में महिला बाल विकास राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आई धार सांसद सावित्री ठाकुर का इंदौर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आदिवासी नृत्य कर सावित्री दीदी का वेलकम किया गया। इंदौर में लैंड होते ही केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर एक्शन मोड में नजर आई और उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कहा कि वे पीएम नरेंद्र मोदी से 100 दिन का रोडमैप लेकर आई हैं और उनकी प्राथमिकता आदिवासी अंचल सहित पूरे मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर तेजी से उतारना है। देखो, हमारे माननीय मोदी जी ने पहले से ही 100 दिन का पूरा रोडमैप बना रखा है और उसी पे हम अगला कार्यक्रम करने वाले हैं। जो योजना जो सरकार की है माननीय मोदी जी की, वो नीचे लेवल पे जनता के लिए है और वो पूरा 100 दिन में पूरा काम करना है, इसलिए हम रात दिन एक करके काम कर रहे हैं और यहाँ जनता को सौगात देना। आदिवासी इलाका नहीं, सबके लिए है, एक पर्टिकुलर नहीं है, आदिवासी भाई लोगों के लिए अलग है और सभी लोग, हम सभी जो माननीय मोदी जी की टीम में है, सब रात दिन मेहनत करके जो माननीय मोदी जी का जो सपना है वो आगे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, रात दिन एक करके, और वो लागू होगा। आज पहली बार एक आदिवासी क्षेत्र से एक ऐसी महिला जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आज मिनिस्टर बन के आई हैं और उनको जो विभाग मिला है वो महिला बाल विकास मंत्रालय मिला है और हमने इंदौर शहर के अंदर जो विगत 7 बार स्वच्छता में नंबर 7 बार नंबर 1 आने वाला जो शहर है, उसमें जो शहर की स्वच्छता बनाए रखने वाली जो महिलाएं हैं उनकी ओर से उनके एक ज्ञापन भेंट करा है और ज्ञापन में हमने मांग की है कि आप अपने नगर निगम के कमिश्नर को ये समझाइश दें कि कम से कम जो महिलाएं अपने घर से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पर अपना घर छोड़ करके काम करने जाती हैं और ये हादसों का शहर है, कभी भी कोई हादसा उनके साथ हो सकता है, इसी स्थिति में कम से कम उनको अपने निकट के वार्ड में, निकट के जोन में उनका स्थानांतर किया जाए, ये हमने उनसे एक ज्ञापन देकर मांग की। कुल मिलाकर सावित्री ठाकुर के केंद्रीय मंत्री बनने से आदिवासी समुदाय बेहद ही खुश नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।